जिस कप्तान ने खत्म किया आईसीसी ट्रॉफी का सूखा, जिसकी कप्तानी में भारत बना वर्ल्ड विजेता, अब उसी कप्तान की कर रहे आलोचना। रोहित ने बदली अपनी सोशल साइट एक्स की डीपी, हेटर्स को क्यों लगी मिर्ची, बाल की खाल क्यों निकाल रहे बेशरम। तिरंगा है बहाना, हेटर्स का मकसद रोहित की इमेज को चोट पहुंचाना, लेकिन नहीं चला ये पैंतरा। 29 जून, ये वो तारीख जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया जीती। ये वो दिन है जब भारतीय टीम ने पूरे 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। इस जीत के बाद से रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर तारीफ हो रही है। उनकी सोच और टीम के प्रति उनका समर्पण लोगों को खूब भाया। लेकिन अब इन्हीं रोहित शर्मा पर कई फैंस सवाल उठा रहे हैं, और इसकी वजह है उनकी एक प्रोफाइल फोटो। दरअसल रोहित शर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदली। फोटो में रोहित शर्मा बारबाडोस के मैदान पर तिरंगा गाड़ रहे थे। अब कई फैंस को रोहित की प्रोफाइल फोटो पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तिरंगा झंडा जमीन पर लग रहा था। फैंस ने ट्वीट कर रोहित शर्मा को बताया कि ये तिरंगे का अपमान है। एक फैन ने लिखा कि फ्लैग कोड के नियम के मुताबिक तिरंगा झंडा जमीन पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने रोहित शर्मा से तिरंगे का अपमान नहीं करने की अपील की। कई लोगों ने ये कहा कि अगर रोहित इंडिया में ये काम करते तो बड़ा बवाल होना तय था। वैसे यहाँ ये देखना जरूरी है कि क्या रोहित शर्मा को इस नियम के बारे में पता है। कुछ और हेटर्स हैं जो रोहित की प्रोफाइल पर भद्दे भद्दे कॉमेंट्स कर रहे हैं और खुद को ज्ञानी बताने की कोशिश भी, लेकिन ये लोग कितने बड़े नासमझ और बेशर्म लोग हैं इन्हें खुद नहीं मालूम। रोहित ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अपने देश का झंडा बारबाडोस के मैदान में लगाया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय कप्तान उस वक्त भावुक थे और उन्होंने इसीलिए ये कदम उठाया। रोहित की नीयत कभी भी तिरंगे के अपमान की नहीं रही होगी, लेकिन मुंह खोलने वालों का क्या, वो चंद लाइक्स के लिए किसी भी हीरो का अपमान करने से बाज नहीं आते। फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा को टारगेट किया गया तो इसमें भी क्या हैरानी। जिस कप्तान ने खत्म किया आईसीसी ट्रॉफी का सूखा, जिसकी कप्तानी में भारत बना वर्ल्ड विजेता, अब उसी कप्तान की कर रहे आलोचना। रोहित ने बदली अपनी सोशल साइट एक्स की डीपी, हेटर्स को क्यों लगी मिर्ची, बाल की खाल क्यों निकाल रहे बेशरम। तिरंगा है बहाना, हेटर्स का मकसद रोहित की इमेज को चोट पहुंचाना, लेकिन नहीं चला ये पैंतरा। 29 जून, ये वो तारीख जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया जीती। ये वो दिन है जब भारतीय टीम ने पूरे 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। इस जीत के बाद से रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर तारीफ हो रही है। उनकी सोच और टीम के प्रति उनका समर्पण लोगों को खूब भाया। लेकिन अब इन्हीं रोहित शर्मा पर कई फैंस सवाल उठा रहे हैं, और इसकी वजह है उनकी एक प्रोफाइल फोटो। दरअसल रोहित शर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदली। फोटो में रोहित शर्मा बारबाडोस के मैदान पर तिरंगा गाड़ रहे थे। अब कई फैंस को रोहित की प्रोफाइल फोटो पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तिरंगा झंडा जमीन पर लग रहा था। फैंस ने ट्वीट कर रोहित शर्मा को बताया कि ये तिरंगे का अपमान है। एक फैन ने लिखा कि फ्लैग कोड के नियम के मुताबिक तिरंगा झंडा जमीन पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने रोहित शर्मा से तिरंगे का अपमान नहीं करने की अपील की। कई लोगों ने ये कहा कि अगर रोहित इंडिया में ये काम करते तो बड़ा बवाल होना तय था। वैसे यहाँ ये देखना जरूरी है कि क्या रोहित शर्मा को इस नियम के बारे में पता है। कुछ और हेटर्स हैं जो रोहित की प्रोफाइल पर भद्दे भद्दे कॉमेंट्स कर रहे हैं और खुद को ज्ञानी बताने की कोशिश भी, लेकिन ये लोग कितने बड़े नासमझ और बेशर्म लोग हैं इन्हें खुद नहीं मालूम। रोहित ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अपने देश का झंडा बारबाडोस के मैदान में लगाया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय कप्तान उस वक्त भावुक थे और उन्होंने इसीलिए ये कदम उठाया। रोहित की नीयत कभी भी तिरंगे के अपमान की नहीं रही होगी, लेकिन मुंह खोलने वालों का क्या, वो चंद लाइक्स के लिए किसी भी हीरो का अपमान करने से बाज नहीं आते। फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा को टारगेट किया गया तो इसमें भी क्या हैरानी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।